राजूला मालुसाई की लोक गाथा। उत्तराखंड वीरों और योद्धाओं की भूमि रही है, यही वजह है कि यहाँ दर्जनों लोक गाथाएं प्रसिद्ध हैं। इन्हीं में एक लोक गाथा है राजूला मालुसाई की। राजूला मालुसाई की लोक गाथा में बैराट के सूर्यवंशी राजा मालुसाई और भोट के घुमंतु शौकन्या राजूला की प्रेम कहानी है। इस कहानी को उत्तराखंड के पहाड़ी क्षेत्रों में लोग ह्यून की रातों में बड़े चाव से सुनते और सुनाते हैं। कहानी का नायक मालुसाही बैराट का राजा है, जिसकी 7 पत्नियां हैं। उसका राज्य खुशहाल है। जब वह करीब 25 साल का होता है, तब उसकी माँ धर्मा देवी बैराट में एक भव्य कार्यक्रम का आयोजन करती है। ये कार्यक्रम कतुरु की कुलदेवी माता अग्निरि देवी के परिसर में आयोजित किया जाता है, जिसमें पड़ोस के राज्यों के राजा, राजकुमार और राजकुमारियां भी पहुंचती हैं। भोट के घुमंतु शौका व्यापारी सुनपत शौक भी अपनी कन्या राजूला और संबंधियों के साथ बैराट पहुंचता है। वह अपने भेड़ों के रेवड़ के साथ बैराट में रामगंगा के तट पर डेरा डालता है। कहते हैं एक दिन मालुसाई प्रातःकाल माता अग्निरि की पूजा के लिए मंदिर की ओर जा रहे थे, तभी उनकी दृष्टि शौक कन्या राजूला पर पड़ी। मालुसाई उसे देखते रह गए। यह तो अद्भुत सुंदरी है, क्या कोई देवी है, उनके मुंह से अनायास ही निकला। तभी राजूला की दृष्टि भी उन पर पड़ी। वह थोड़ा सकुचाई, फिर सिर नीचे कर वहां से चली गई। राजा मालुसाई के मन मस्तिष्क पर वह सुंदरी छा चुकी थी। उन्होंने अपने अश्व को आगे बढ़ाया, रामगंगा में डुबकी लगाई, फिर माता अग्निरि देवी के मंदिर में पूजा अर्चना की। लेकिन उस दिन उनका मन बेचैन था। वे राजमहल में लौट आए। उस पूरे दिन वे अपने महल में ही रहे। राजमाता धर्मा देवी ने राज्य कर्मियों से राजा मालुसाई के बारे में पूछा तो किसी ने कुछ नहीं बताया। तब धर्मा देवी ने राजा मालुसाई के मित्र राजा हरु सिंह से उनके बारे में पूछा। हरु सिंह ने भी जानकारी से इनकार किया। उसके बाद राजा हरु सिंह राजा मालुसाई से मिलने गए। मालुसाई ने पहले तो मन की बात नहीं बताई, लेकिन जब राजा हरु सिंह ने जोड़ दिया तो मालुसाई ने उन्हें उस अपूर्व सुंदरी का जिक्र किया। तब हरु सिंह ने राजा मालुसाई को समझाते हुए कहा, हे राजा मालुसाई, तुम सूर्यवंशी हो, तुम्हारा राज्य खुशहाल है। वह कन्या इस धरती की नहीं हो सकती है, कहीं तुम्हारे राज्य पर कोई मुसीबत नहीं आ जाए, तुम्हें उसे भूलना होगा। राजा मालुसाई ने हाँ कहा, लेकिन मन में द्वंद्व चलता रहा। अगले दिन राजा मालुसाई मन पर काबू कर माता अग्निरि देवी के मंदिर की ओर गए। वहाँ उन्हें राजूला फिर दिखाई दी। उनके दिल की धड़कन बढ़ गई। वह राजूला के करीब गए। उन्होंने उससे कहा, हे सुंदरी, मैं बैराट का राजा मालुसाई हूँ, तुम्हारा परिचय क्या है? राजूला ने सिर पर उठाया। उसने राजा मालुसाई की तरफ देखा। वह अपूर्व सुंदरी थी। उसके तीखे नाक नयन थे, उसका रंग गौर था, उसका पूरा तन बदन जैसे संगमरमर से तराशा गया हो। राजा उसे देखते रह गए। उसने नजरें नीची कर ली और धीरे से कहा, मेरा नाम राजूला है। राजूला शब्द राजा मालुसाई के होंठों पर रम गया। वाह, आपने क्या सुंदर नाम पाया है, मालुसाई ने कहा। आप कहाँ की रहने वाली हैं? इससे पहले बैराट में कभी देखा नहीं, मालुसाई ने पूछा। भोट की रहने वाली हूँ। अकेली आई हो या फिर साथ में सगे संबंधी भी आए हैं, मालुसाई ने पूछा। साथ में सगे संबंधी भी आए हैं, राजूला ने कहा। उस वक्त राजा मालुसाई वहां से चले गए। राजा मालुसाई का मन विचलित था, राजकाज में भी मन नहीं लग रहा था। उनका जन्मोत्सव बड़े धूमधाम से मनाया गया, लेकिन उन्होंने सभी कार्य बेमन से निभाए। उनकी माता धर्मा देवी परेशान थी। उन्होंने पुत्र से जानने की कोशिश की, लेकिन मालुसाई चुप ही रहे। फिर एक दिन धर्मा देवी ने राजा हरु सिंह को बुलाया
और पुत्र मालू के बारे में चर्चा की। तब राजा हरि सिंह ने कहा, हे राजमाता, मालूसाई को 100 कन्या से प्रेम हो गया है। राजमाता धर्मा देवी ने कुछ सोचते हुए कहा। उसके बाद उन्होंने हरि सिंह से जाने को कहा। रात्रि में धर्मा देवी ने पुत्र मालू को भोजन पर बुलाया। राजमाता ने पुत्र के सामने 22 तरह के व्यंजन परोसे, लेकिन मालूसाई को भोजन में कोई रुचि नहीं थी। वे बेमन से खाना खा रही थी। तभी राजमाता ने कहा, हे पुत्र, मासी में सोमनाथ का मेला लगने वाला है, वहाँ सुंदर कन्याएं आएंगी, तुम किसी को भी पसंद कर लेना, तुम्हारा फिर से बिहार जाऊंगी। राजा मालूसाई चुप ही रहे। उन्हें भोजन करने के बाद माता से आज्ञा ली और अपने कक्ष में आ गए। वे राजूला के प्रेम में विवल रहने लगे। भूत के शौकों को भी इस बात की खबर लग चुकी थी। उन्हें अपनी जान का खतरा महसूस हुआ। वे बैरार छोड़कर भूत को निकल गए। तब तक राजूला भी मालूसाई के प्रेम में जकड़ चुकी थी। भूत पहुंचकर सोनपति शौक ने अपनी पत्नी गांगुली को बैराट के राजा मालूसाई और राजूला के बीच पनप रहे प्रेम के बारे में बताया और कहा, बात बिगड़े उससे पहले वो तिब्बत जा रहा है। उसे सालों पहले तिब्बत के गढ़तोक के राजा के भाई ऋषिपाल को बेटी का विवाह करने का वचन दिया है, लेकिन सरयू गोमती के संगम पर जो राजा दुल्हा शाह को आपने वचन दिया उसका क्या? तुम अपनी जुबान पर लगाम लगाओ, कत्यूरों का सूर्य ढल गया है। ऋषिपाल बड़ा व्यापारी है, सिरमौर से जलंधर तक उसका व्यापार फैला है। सुनपति शौक ने पत्नी को फटकारते हुए कहा। गांगुली चुप हो गई। सुनपति तिब्बत को चला गया। गांगुली सोचने लगी, सालों पहले जब वे निसंतान थे तब भगवान बागनाथ का आशीर्वाद लेने बागेश्वर गए। वहीं बैराट की रानी धर्मा देवी और महाराज दुलासाह से उनकी भेंट हुई। वे भी संतान की कामना लेकर आए थे। तब दोनों परिवारों में मेलजोल हो गया। वहीं सुनपति ने महाराज को वचन दिया कि अगर उनके घर में कन्या हुई तो वे उसका विवाह उनके पुत्र के साथ करवाएंगे। इसके बाद दोनों घरों में भगवान बागनाथ के आशीर्वाद से किलकारियां गूंजी। बैराट में मालूसाई पैदा हुआ। भोट में राजूला का जन्म हुआ। तभी राजूला माँ के पास आई। उसने माँ से पूछा, दिशाओं में बड़ी दिशा कौन? पूरब, माता गांगुली ने कहा। देशों में बड़ा देश कौन? बैराट, गांगुली ने कहा। पुष्पों में श्रेष्ठ पुष्प कौन? कमल, गांगुली ने कहा। तारों में सबसे बड़ा कौन? सूर्य, माता गांगुली ने कहा। राजाओं में श्रेष्ठ राजा कौन? मालूसाई, माता गांगुली ने कहा। तब मेरा विवाह ऋषिपाल से क्यों तय हो रहा है, मालूसाई से क्यों नहीं? राजूला ने माँ की तरफ देखकर कहा। मैं नहीं जानती हूँ, गांगुली ने उत्तर दिया। तब मुझे बैराट जाने की इजाज़त दो, राजूला ने माँ से कहा। अपना ख्याल रखना, माता गांगुली ने कहा। राजूला अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ गई। रास्ते में उसे कई तरह की कठिनाइयाँ आई। किसी तरह वह बागेश्वर पहुंची, जहां उसने भगवान बागनाथ को भला बुरा कहा। वहां से राजूला बैराट को निकली। उसे घर छोड़े कई दिन हो चुके थे। जब वह बैराट पहुंची उस वक्त रात्रि हो चुकी थी। पहरेदारों की नजरों से बचती हुई वह अपने प्रेमी के कक्ष तक पहुंची, लेकिन तब तक मालूसाई काल निद्रा में पड़ चुका था। उसने मालूसाई को उठाने की बहुत कोशिश की, लेकिन वह नींद से नहीं जागा। पूरी रात्रि राजूला अपने प्रेमी मालूसाई के जागने का इंतजार करते रहे, लेकिन सवेरा होने लगा तो उसकी निराशा भी बढ़ती चली गई। उसने एक पत्र लिखकर मालूसाई के सिरहाने पर रख दिया, जिसमें उसने लिखा था, हे मालूसाई, मैं तेरे प्रेम में भोर से तेरे नगर में चली आई। अगर तुझे भी मुझसे प्रेम है तो मेरे प्रदेश में चले आना। अगर आओगे तो समझोगी शेरनी ने पैदा किया है। नहीं आना चाहो तो बैराट में ही रहना, समझ लूंगी शेरिन का दूध पिया है। उसके बाद राजूला भोट को लौट गए। मालूसाई की जब नींद टूटी तो उसकी नजर पत्र पर पड़ी। वह राजूला से मिलने के लिए व्याकुल हो उठा। मालूसाई ने
साधु वेश धारण किया और फिर अपने मित्र राजा हरु सिंह के साथ भोट को कूच कर गया। राजमाता धर्मा देवी को जब पुत्र मालुसाई के भोट रवाना होने की खबर मिली तो वह चिंतित हो उठी। तब राजमाता ने अपने भाई मृत्यु सिंह गढ़वाली और तांत्रिक सिद्धवा विधवा को पुत्र की मदद के लिए भोट भेजा, लेकिन तब तक काफ़ी देर हो चुकी थी। मालुसाई को भोट में राजूला के परिचुरों ने जहर दे दिया था जिससे उसकी मृत्यु हो गई। तब मृत्यु सिंह गढ़वाली ने सिद्धवा विधवा से कहा, तुम दोनों भाई अपनी मंत्र शक्ति से मालुसाई को जिंदा करो। दोनों मंत्र फूंकते हैं, मालुसाई जिंदा हो जाता है। तब तक तिब्बत के गढ़तों का व्यापारी ऋषिपाल भी बारात लेकर भोट आ गया था। मालुसाई तलवार उठाता है, भोट में घमासान युद्ध छिड़ जाता है। दोनों तरफ से वीर मरने और कटने लगते हैं। ऋषिपाल भाग खड़ा होता है। सुनपति सौग भी क्षमा मांग लेता है, वह पुत्री के विवाह की इच्छा जताता है। मालुसाई मान जाता है। इसके बाद मालुसाई अपनी प्रेमिका राजूला को ब्याह कर बैराट ले आता है। कहानी का सुखांत अंत हो जाता है। हालांकि इसमें मतभेद हैं। कुछ लोगों का कहना है कि राजूला मालुसाई को भोजन में जहर दे दिया जाता है जिसमें दोनों की मृत्यु हो जाती है। सच जो भी हो, ये प्रेम कहानी उत्तराखंड के लोक अंचलों में खूब सुनी और सुनाई जाती है।